हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। तो मैं आज आपके साथ तेजपुर यूनिवर्सिटी का ब्लॉग पार्ट टू लाया हूँ। ओके, तो आप लोग देखिएगा वीडियो अंत तक, आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी का हर एक कोने का डायमेंशन आपको मैं बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ये है तेजपुर यूनिवर्सिटी का गेट। तो आप अच्छे से देखिएगा, यह है तेजपुर यूनिवर्सिटी का गेट। ओके, तो यहाँ से हम जा रहे हैं आपको, जो कि जो ए पार्ट वन में जो जो चीज़ दिखाया था, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को सारा चीज़ दिखाएंगे। ये देखिए तेजपुर यूनिवर्सिटी गेट है, जो आप लोगों को पता है कि एंट्री अलग होता है और एग्जिट अलग होता है। तो ये देखिए तेजपुर यूनिवर्सिटी गेट के अंदर, जो कि सबसे पहला है, वो एक फॉरेस्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब ग्रीनरी है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है और ये सारा आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले आप जाइएगा, सबसे पहले आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जो आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ओके, तो वहाँ से आप जाइए, ये साइड ये देखिए, एक वहाँ पे एक जो ट्रैफिक पॉइंट है, वहाँ से आप इस तरफ, जो कि हम जा रहे हैं लाइब्रेरी के तरफ, ये है देखिए लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी के बाद आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे ये जो लाइब्रेरी जाने का रास्ता है, जो आप देख रहे हैं, उसके बाद आपका देखिए ये सेंट्रल लाइब्रेरी। देन आपका हम सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका नेक्स्ट में देखिए ये है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ओके, देन आपका आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलते रहेंगे, ये देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत सारे एसेंशियल चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। ओके, तो देखिए ये है आपका जो कि मैथ्स डिपार्टमेंट की तरफ का रास्ता है। ओके, यहाँ इधर से हम लोग मैथ्स डिपार्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका ये सारा जो कैंपस का जो कि बॉस, ये देखिए EVS डिपार्टमेंट और MBBT इस साइड में आपको मिलेंगे। ओके, EVS और MBBT डिपार्टमेंट, और देखिए MCJ जो कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है TU का। और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, अभी हवा लग रहा है तो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, देन यहाँ पर देखिए एक पोंड मिलता है। ओके, पोंड वहाँ पर है। और ये देखिए थोड़ा मतलब डिवीज़न मैप दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है आपका, जैसे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे भी पोंड है, पोंड में आपका नेक्स्ट आपका देखिए ये जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस बिल्डिंग है। ओके, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग, यहीं पे आपके सोशल साइंसेज के बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जैसे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की बिल्डिंग है ये, एजुकेशन और सोशियोलॉजी सारा डिपार्टमेंट यहीं पर मिलेगा आपको। ओके, तो देखिए आप, काफ़ी सुंदर है डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये सोशल साइंसेस का बिल्डिंग है, जो कि काफ़ी सुंदर, ये देखिए जब पोंड जैसा यहाँ पे लेक टाइप। ओके, आपको लेक मिलेगा, ऐसे सारे लेक बहुत है TU में, मतलब बहुत सुंदर। ये देखिए इसका जो बैक साइड का व्यू है, वो ह्यूमैनिटीज बिल्डिंग का बहुत ही सुंदर है, काफ़ी सुंदर व्यूज़ है। ये देखिए सेंटर फॉर जो डिस्टेंस लर्निंग का सेंटर यहीं पर, जिसको आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए TU का जो फ्रंट व्यू है, और ये लॉ डिपार्टमेंट है जो आप साइड में देख रहे हैं, इसको लॉ डिपार्टमेंट कहा जाता है। ओके, इसको लॉ डिपार्टमेंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए लॉ डिपार्टमेंट। ओके, तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे SOE की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, यहाँ पे इंजीनियरिंग का सारा जो कि बिल्डिंग्स हैं यहाँ एक साथ मिलेंगे। यह देखिए ग्रीनरी, जो कि TU में एक अमूमन बहुत ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, देखिए ये जो कि मैं आप साइकिल में हूँ, इसीलिए आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा स्पीड है, तो आप साइकिल में हो आप एडजस्ट कीजिएगा। ओके, देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रैफिक पॉइंट भी है, यहाँ पे देखिए ट्रैफिक पॉइंट है एक। देन आप यहाँ से जब ये जो सारा है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, यहाँ से जो जितना भी दिख रहा है, ये आपका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है। यहाँ पे इंजीनियरिंग के सारे जो कि कोर्सेस आपको मिलेंगे। ओके, तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है इसको, आप यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मैं हर एक बिल्डिंग का बना दूंगा, तो ये आप कॉमेंट कीजिएगा। ओके, और भी आप TU को देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट देखिए आपका जो कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पे लिखा है। देखिए स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे सारे जो डिपार्टमेंट यहीं पर मिलेंगे, जैसे FET हो गया, साथ ही साथ आपका FET, उसके बाद EC, ये सारे आपको मिल जाए। ये देखिए TUnovation यहाँ का, देखिए TU का इनोवेशन एक सेंटर। और यहाँ पे देखिए जो कि आपका MBA डिपार्टमेंट की तरफ हम लोग आ रहे हैं, MBA जो कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी बिल्डिंग बहुत सुंदर है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो ग्रीनरी और फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर है। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे तो जब वहाँ पे दिखाएंगे आपको गेस्ट हाउस भी है। और ये देखिए इन्हीं का भी हो, ये देखिए ये इसको गेस्ट हाउस बोला जाता है, बहुत ही सुंदर है गेस्ट हाउस भी,
आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी सुंदर है गेस्ट हाउस। नेक्स्ट आपको ये देखिए गेस्ट हाउस, इसका व्यू आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट आपका मिलेगा जो कि यहाँ पर एक फेमस है एक जगह, इसको निरीविली कहा जाता है, आप लोग याद रखिए निरीविली, जो कि एक बहुत सुंदर लेक साइड का एरिया है। देखिए आप यहाँ पे आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुंदर एरिया है, इसको निरीविली कहा जाता है। काफ़ी काफ़ी सुंदर एरिया है यहाँ पे, देखिए बहुत सारे फूल मिलेंगे और एक मतलब एक सिमेटिक ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। देखिए आगे जो लेक है, लेक के बाद आप बैठ सकते हैं, वहाँ पे बातें कर सकते हैं, बहुत ही एक बढ़िया सा प्लेस है ये ट्यू का। आप अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा सुंदर प्लेस ये सारे मिल जाएंगे। और देखिए बहुत सारे, जैसे ये देखिए एक निरिविली का व्यू आप देख सकते हैं, सुंदर व्यू है एक, तो आप देख सकते हैं। और भी आपको अगर ट्यू रिलेटेड ऐसे ब्लॉग चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, किस तरह से मैं बनाऊंगा तो आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, देन मैं उसी हिसाब से ब्लॉग क्रिएट करूंगा। ओके, तो देखिए निरिविली जो ये वाइस चांसलर का बिल्डिंग है, इसके फ्रंट में देखिए, तो ये भी बहुत सुंदर आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पे कोई कोर्स के रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं यहीं पे अभी पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको हर एक डाउट क्लियर कर सकूँगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी जो कि सुंदर है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं तो निरीविली के बाद यहाँ पे देखिए ये फिर रोड आएगा एक जो हॉस्टल की तरफ जाता है, बहुत सारे हॉस्टल्स है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल भी है, जैसे सुवनश्री, ये सारे जितने भी हॉस्टल है वो इस रास्ते से आप जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही कंचन फूल मिलेंगे, कंचन फूल फूलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए जो एक लेक है तो निरीविली के आगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे देखिए बहुत सारे यहाँ पे साइकिल बहुत यूज़ होता है, यहाँ पे साइकिल सब लेके चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये देखिए एसेंशियल्स कहा जाता है इस जगह को, आप देख रहे हैं एसेंशियल्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है दुकान जैसा यहाँ पर। तो और ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल्स, यहाँ पर इधर भी गर्ल्स हॉस्टल है, आप लोग इसी हिसाब से देख सकते हैं। और ये देखिए ये इसको साइकिल मेकिंग जगह है, क्योंकि साइकिल बहुत यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे आप साइकिल बना सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ट्यू ग्राउंड मिलेगा आपको, देखिए बहुत ही एक सुंदर ग्राउंड है। अभी जो ट्यू में एक अच्छा क्रिकेट का जो पिच भी बन रहा है, क्योंकि अब आसाम क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक करार हुआ है। ओके, और ये देखिए एक बॉयज़ हॉस्टल है KMH। ओके, कंचनजंगा मेंस हॉस्टल, यहाँ पर देखिए आप आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सुंदर जो कि व्यू मिलेगा एक, काफ़ी सुंदर है देखिए कंचनजंगा मेंस हॉस्टल। तो ये था वीडियो। ओके, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहता, तो कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द हॉस्टल। ओके, यहाँ देख सकते हैं वो काफ़ी सुंदर है जो फूल दिया हुआ है। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। तो मैं आज आपके साथ तेजपुर